डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल द साइंस स्पेस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी ट्रिक जिसके थ्रू आप निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में तो आप जानते होंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जेई में बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, नीट में भी बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आता है, और क्लास इलेवंथ के हमारे जितने भी प्यारे बच्चे जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी पता होगा कि टीचर्स ने बॉन्ड ऑर्डर को खास वैल्यू दी होती है, क्योंकि टर्म वन के अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर से क्वेश्चन आना गारंटीड है। मतलब लाइक इट इज वन ऑफ द टॉप लिस्टेड टॉपिक जिसमें से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा बनते हैं। तो क्यों नहीं हम इस टॉपिक में से जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उसको कम समय में करने की कोशिश करें, क्योंकि अदरवाइज अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से आप करोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा। पहले आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टू, फिर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, एंटी बॉन्डिंग निकालने पड़ेंगे थ्रू दैट डायग्राम, और फिर उसमें पुट करके आपको आंसर निकालेंगे, विच विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो अब मैं आज के इस शॉर्ट वीडियो में आपके लिए एक वेरी शॉर्ट ट्रिक लाई हूं जिसके थ्रू आप बॉन्ड ऑर्डर को विद इन फ्यू सेकंड्स निकाल सकते हैं। मुझे समझाने में जरूर 4-5 मिनट लगेंगे, लेकिन एक बार आपके समझ में आ गई तो आप विद इन फ्यू सेकंड्स बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेट अस सी हाउ। इस टेबल की तरफ देखिए बच्चों, इस टेबल के अंदर आपको इस कॉलम में दिखाई दे रहे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जबकि अगले कॉलम में दिखाई दे रहे हैं उसके आगे के बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको लग रहा होगा कि मैम ये सब हम क्यों याद करेंगे, ये याद करने में भी तो समय लगेगा। बेटा याद कुछ नहीं करना, सिर्फ इतनी सी चीज ध्यान रखनी है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 8 एंड एंड्स टिल 0, मतलब 20 तक चलता है। 8 से स्टार्ट होता है और 20 तक ये प्रोसीड करता है, इतना तो याद रख सकते हैं 8 से 20। अब आपको बॉन्ड ऑर्डर ये है क्या, बाय द वे 8 से लेकर 20 तक ये है क्या, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिनके मैं एग्जांपल्स अभी करके दिखाऊंगी कि जो भी मॉलिक्यूल में आप बॉन्ड ऑर्डर जिस भी मॉलिक्यूल का निकाल रहे हैं उस मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये वो लिखा हुआ है। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करेंगे 0 से और 0.5 बढ़ाएंगे, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3 के बाद फिर डिक्रीजिंग स्टार्ट कर देंगे। 3 इज द मैक्सिमा, ये जो 3 होगा ये हमारे लिए मैक्सिमा होगा, इसके बाद हम डिक्रीज स्टार्ट कर देंगे, यानी कि 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, फिर 0.5, फिर 0। तो 0 से शुरू होगी कहानी और 0 पे ही खत्म होगी। ठीक है, 0.5 इस तरीके से आगे बढ़ेगा और यहां मैक्सिमा आकर के फिर वापस घटना शुरू हो जाएगा। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए, ट्रिक तो समझ में आ गई है, बट अप्लाई करना सीखना ज्यादा जरूरी है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ दिस N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन के एक एटम में, 7। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में कितने हुए, 14। अब 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 3। देखिए कैसे 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। ये देखिए 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है। आप याद रखिए 14 पे मैक्सिमा है, 14 पे मैक्सिमा है, ताकि अगल बगल दोनों तरफ जानने में आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप क्योंकि 0.5 का डेटा डिफरेंस है, कुछ याद रखने की चीजें नहीं है। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0.5 पे बढ़ेंगे, 3 पे मैक्सिमम होगा, फिर घटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं O2, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 8 और 8 मिला के, दो ऑक्सीजन है ना, तो 8 और 8 मिला के 16 हुए। 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, देखिए जरा 16 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। उसके बाद देखिए CN+, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में तो 6, नाइट्रोजन में कितने, 7, पॉजिटिव की वजह से एक घटा लो तो 6 और 7 वैसे 13 होते हैं, लेकिन एक घटा हो तो 12 ही रह जाएंगे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 12, और 12 का कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर है 2। ठीक है, CN- को देखो, 6 और 7 कितने हो गए, 13, 13 में एक ऐड कर लो कितने हो गए, 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3, अभी अभी हमने लिखा। NO में कितने, नाइट्रोजन में कितने, 7, ऑक्सीजन में कितने, 8, तो 15, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5, कितना सिंपल है देखिए। फिर उसके बाद O2-, ऑक्सीजन वही हमारा 8, 8 और 8 16, 16 में एक ऐड करेंगे 17, 17 का मतलब है 1.5, 17 का मतलब है 1.5। आगे देखिए O2-, 8 और 8 16, दो ऐड कर दीजिए 18, 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, देखिए इधर 18 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। फिर बेरिलियम, बेरिलियम जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना, 4, 4 और 4 मिला के कितने हो जाएंगे, 8, 8 से तो हमने शुरू ही किया था और बॉन्ड ऑर्डर कितना था, 0 था। बस हर मतलब सबको मिला के मुझे टोटल 10 सेकंड्स लगे, यानी कि आपके सामने जब बॉन्ड ऑर्डर का सवाल आएगा तो ना तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाने की कोई झंझट, ना ही नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेना, फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिंपली बॉन्ड ऑर्डर इस तरीके से निकल जाता है। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं जेई नीट में बता देती हूं, क्वेश्चंस स्टेबिलिटी बेस्ड आते हैं, वो आपको 3 या 4 सेट देते हैं, जैसे O2, O2+, O2-, O2-, और यही क्वेश्चन टर्म 1 में भी फिक्स्ड है आपके, N2, N2+, N2-, N2-, इस तरह के सवाल आते हैं। आपको बोलते हैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाइए, बेटा स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आप बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रिक्ट से निकालिए और बढ़ती हुई बॉन्ड ऑर्डर के साथ में स्टेबिलिटी को बढ़ाइए। ठीक है, और उसके अलावा अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है
ये 11th क्लास में क्वेश्चन आता है, जेईई नीट में तो नहीं आता है, पर ये वाला क्वेश्चन 11th क्लास में आता है कि बॉन्ड ऑर्डर अगर जीरो है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। तो वो कहते हैं ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, लेट से आपसे पूछे बी टू एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो सिंपल है, बी टू में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आठ, आठ वाले का तो बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर ही जीरो होता है उसकी स्टेबिलिटी भी जीरो होती है, तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट ट्रिक जिसमें हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल किए, और बस ये चीज ध्यान रखनी है, रटनी नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना है, 0.5 0.5 बढ़ते जाना है, थ्री पे मैक्सिमा है जो कि नाइट्रोजन के लिए होता है, और फिर वापस घटना शुरू कर देना, एंड भी जीरो से होगा, 8 to 20 की गिनती चलेगी। कितना सिंपल था, सिखाने में 3 मिनट लगे, अप्लाई करने में 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे और ट्रिक वाले सेशंस में बनाती रहूंगी, क्योंकि मेरा मानना है जिन सवालों को आप जल्दी कर सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही तो होता है, आप जितनी जल्दी करेंगे, जितने एक्यूरेसी एंड स्पीड होगी, उतना ही आपका रैंक ऊपर रहेगा। तो इन सवालों का समय हम किसी और सवाल में लगाएंगे, जैसे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस, इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस, या कोई और चैप्टर जहां बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है, यहां तो ट्रिक से ही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसको शेयर करिएगा मैक्सिमम, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। टाटा बाय बाय, टेक केयर।